ओह वाओ, ये देखे जी पूरा पूरा एक नोट मेरा है, कोई 50-50 तो नहीं है? नहीं, चलो गुड हो गया। ये आपकी मम्मा के। बाबा जी थैंक यू। और ये बड़ी आपकी के। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि हम लोग आए हुए थे हैप्पी पंजाबी फैमिली की तरफ, आज हम लोग यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं फाइनली, और अंदर हल्ला गुल्ला हो रहा है जी, ईदी की तैयारियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो अली जो है वो पता नहीं क्या करने लगा हुआ है। मुझे लगता था लड़कियाँ बड़े नखरे करती है, लेकिन मैं गलत हूँ, मुझसे ज़्यादा नखरे ये अली करता है। ठीक है, अपने बाल बनाने के ऊपर उसने 1 घंटा लगाना होता है, कपड़े सेलेक्ट करने के ऊपर उसने 2 घंटे लगाने होते हैं, रेडी होने के ऊपर उसे 5 घंटे लगाने होते हैं। अभी भी वो साथ वाले मामू के घर में लगा हुआ है अपने ये करने। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा हल्का ठार। बस वो स्पाइसी बनाने पे लगा हुआ है। तो आए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सी बातें हो रही है? हाँ जी, ये नहीं पूछने वाली बात है। बस मैं चुप थी, मैंने कहा जाते हुए मांगूंगी अगर मामू ने ना दी तो। नहीं, हमें पता हमारे मामू हर साल हमें देते थे, इसलिए हम चुप थे। ओ वाओ, ये देखे जी पूरा पूरा एक नोट मेरा है, कोई 50-50 तो नहीं है? नहीं, चलो गुड हो गया। ये आपकी मम्मा के। वो गाइज अपनी वहाँ पे छोटी सी बच्ची है ना उसकी, जो उसको देखने दुखने लगी हुई है, उसकी बच्ची बहुत चलाक है, वो कभी कोई बंदा मुझे देखे भी ना, वो अकेली रहती है। हम लोग उसको देखते हैं, हम लोग ने कहा ना कि इरम भतीजी जो उसको ज्यादा प्यार किया है। हाँ, मेरी एक क्लास है, इतनी प्यारी है, इतनी वो है सारी भाई, सारी फूफा को इतनी प्यारी है। ऐसा ज्यादा गुस्सा लगा से, नहीं गुस्सा नहीं लगा, कोई लोग पहले मेरा कड़या करो। ठीक है ना, एक और बात मैंने करनी। हां जी, कल जेड़ा व्लॉग बने ना जो तुसी आए जे, ओदे साडे वाले व्लॉग जो लोगों ने बड़े कमेंट किए जी, आयशा ने फूफो दे नाल बदतमीजी की, ये आयशा ने बदतमीजी नहीं की, उधर फूफो का भी वीडियो दिखाओ ना, आयशा ते फूफो ना मजाक मजूक कर रहे असि प्यार कर रहे थे, परोने इतने देर बाद आ रहे थे, जेड़ा मजाक कर, मजाक ते बदतमीजी च बड़ा फर्क हुंदा है। और बदतमीजी वो होती है जिसमें अगला बंदा माइंड कर जाए। ठीक है, हमें पता है हम स्टार्ट से इस तरह से रहे हैं, दूसरे की तरफ आना जाना, हल्ला गुल्ला होना। बच्ची ना छोटी सी होती मेरे पास, जब भी आती थी मैं किसी बच्चे को इतना नहीं उठाया जितना मैंने आयशा को उठाया। आयशा क्या करती होती थी ये भी बताते हैं। सारे माशाल्लाह 6 भाई हैं, 6 भाइयों के बच्चों से ज्यादा मैंने आयशा को उठाया है, छोटी होती को। आयशा ने सारे खानदान से सबसे ज्यादा प्यार ये आयशा की है। ईदी मेरे छोटे नोट है, छोटे वे पुत कबूल करो। वो आ गया जी, अली भी आ गया जी, अली जैन हुसैन मेरे से इतनी लेनी है जी, मैंने आप लोगों ने तरक्के नोट लेके आई, मेरे भी ले गया। ये देखें गाइस मुझे कितनी ज्यादा ईदी मिल चुकी है। तुम्हारे बाल बन गए हैं, फुर्सत मिल गई है। तेरा इलाज कोई हिस्सा नहीं ला, मेरे हाथ से आके समझ लो मेरे हो गए, मेरे वैसे मेरे अपने ही पैसे नहीं। बड़े मजे की पखा नहीं चल रहा, आवाज भी अच्छी आ रही है। हाँ, किसी और के नोट जो है इसलिए तुम्हें आवाज अच्छी आ रही है। चलो वापिस दो,
चलो जी गाइस, मैं भी अब अपने इस बिस्तर में से निकाल लूं अपनी छोटी छोटी सीट दी। आयशा मेरे शोपर चेक करो, एक शोपर के अंदर फेस वॉश है, एक के अंदर मेकअप है, एक के अंदर पता नहीं क्या क्या है। ये लड़कियों के पैरस ऐसे ही होते हैं। लड़कियों के पैरस ये ले जी, ओए हाथ हिना, हाथ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। नहीं मेरे नहीं हाथ कांप रहे, अभी मैंने ताजा ताजा बैंक से निकलवाए हैं। ओहो बहुत ज्यादा अभी तक खा खा मत, इससे आज तो दो जितने जल्दी आप नहीं हम चले भाई, शुक्र करो ये आपको इतने दे रही है। पांच ठीक है, पांच नोट हो गए हमारे यार, ये बच्चे बड़े टीट दे, चार पांच ठीक है। अब तुमने ये पांच साल चलाने हैं, आईने चंगे पांच आयशा के लिए बच्चे, वो खा खा कर रहा है मुंह में, आयशा के लिए कुछ चीज रोटी खान कुछ चीज, अब ये देखा इन्होंने सर ने ना मिले मेरे दे दो, आयशा तो आप जितनी है नहीं, आयशा छोटी है मुझसे, इसको मैंने उठाया हुआ है, आयशा ताली तो छोटी है, ये तो शादी वाली है सारा, आयशा ये सारे तुम्हारे मामी जी तुम छे पुत्र को बड़े पैसे ने, मैं शुगर मिला यार लाना गाइस बकाया इन्हों नु चांद रात नु मैं ही शॉपिंग शुपिंग करा दूं। गाइस ये हर व्लॉग में आप सुनेंगे, गाइस अली के पास इतने पैसे हैं बस नजर नहीं आते। वो नजर ना लग जाए यार लोगों की, इसलिए उसको ना जरा साइड पर रखते हैं, सेव रखने चाहिए। चलो मैं लेती हूं। हाँ जी, नहीं नहीं अपना टाइम आ चुकी है मामू जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आ गया, बस उन्हें पैसे मैं ना नजरों छुपा के रखे हैं, तुहाडियां भी अपनी भी तेरे ना दी। हाँ जी गाइस ये ना आप देखना, पहली गाड़ी आएगी मैंने आपको दिखानी है, फर्स्ट कार ही ना, तुम्हें नहीं पता मैंने गाड़ी बुक करवा दी हुई है। हाँ जी अली हाँ इंशाल्लाह, ईद नहीं गोश्त, वो गोश्त होता है बड़ी, गोश्त देना ही देना, गोश्त लाता एक ईद भी होती है, ईद नहीं होती माँ जी, एवं ही तुम मेनू पुटीका पवाई जाओ पहले, वो पक्के हो जाए फिर मैं देनी पवेगी। मेरा संभालिया नहीं जा रहा, नहीं नहीं मैं मामी मेरा नोट ये लो जी, ये आपके भाई का नोट आ चुका है, ब्लड आ रहा है, ये गौर से देख रहे गाइस, नहीं यार मुझे मिल चुकी है ईदी, अब आपके भाई का फर्ज बनता है कि अपने यार को दो, अपने यार को नहीं नहीं नहीं, मेरा यार था यार नक बनता है, वैसे इन्हें मेरा बड़ा साथ दिता है, इन्हें मेरे नाल दो दिन मेरे ना जेरी हुंदी रही मोए मोए थोड़ी थोड़ी आके बचांदा रहा। हां बाबा जी नहीं 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 मामू जी ना, मामी का नहीं हक बनता, नहीं नहीं मामी ने मैंने देनी है, मामी को मैंने लैनी है यार, भाई 500 200 100 50 50 नहीं नहीं ठीक है, नहीं मामू जी यार माजी चलो अपना फायदा, चलो भाई ये मेरा फायदा हो चुका है, 500 रुपया बच गया आपके भाई को, ये लो भाई चल तू ना लाया तेन नहीं दे, नहीं नहीं बस ठीक है भाई, 200 200 ऐसे नहीं करते अली भाई, 100 100 100 डन हो गया, ताड़ी मैथ वीक हो गई है मामी जी, बादाम खाना शुरू कर दियो, चलो जी सानू 1000 रुपया लब गया माँ जी, हुण तुहानू मैं कोई 500 वापस नहीं देना, मामू जी
वैसे ये होता है बिजनेस मैन, ये होता है बिजनेस भाई, बिजनेस इधरों मेनू लग गया, इधरों भी लेके देता, वो भी राजी ते ए भी राजी ते अली भी राजी। Later. चलो जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। मम्मा जी को हम लोग ने बाइक गाड़ी में बिठा दिया। ओके आयशा, अल्लाह हाफिज़। अब इन्होंने हमारी तरफ आना है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा अच्छा जो प्रैक्टिकल दो। हाँ इंशाल्लाह अच्छा अच्छा। ओके जी जैन, अल्लाह हाफिज़। ओके आमना, अल्लाह हाफिज़। गाइस बच्चे मेरे से नाराज हो चुके हैं, हमें छोटे नोट दिए, अब आयशा को बड़े नोट दिए हैं। ओके मम्मी जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मामू जी, ख्याल रखिएगा अपना। ये सारे गाड़ी में जाके बैठ गए, मैं भी जाती हूँ। चलो जी गाइस, हम गाड़ी में आके बैठ गए और आपी जी का वेट कर रही हैं, ठीक है। उसकी टिड्डी सी जो है ना बेबी, उसने उसको तंग करके रखा हुआ है। अब आगे बैठ गए हैं, बोतलें वगैरह पकड़ रहे हैं हमें। जैन ने मम ला के दे दिए पानी, मतलब क्या इधर रख लो बोतल लाए जी। वो हमारे मामू जान भी खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चल वो उठा के ले आई है। ओए जी बारा जे बेबी, आ गाड़ी चले, गाड़ी चले, गाड़ी नहीं जाना। अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी हमने अपने एक और मामू की तरफ जाना है और अपनी खाला की तरफ भी जाना है। तो अब देखते हैं हम लोग घर अपने कब पहुँचते हैं। हमें यहाँ पे 3 दिन ऑलमोस्ट हो गया, मई सम 3 दिन हो गया ना, 3 दिन हो गया हमें। और मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ, जो मजे की नींद आती है ना वो अपने घर ही आती है। गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे 5 नोट और मिल गए हैं, ठीक है। अभी आपी जी आई है, उसका वेट कर रहे थे और उसने कहा कि तुम्हें दूसरी मम्मी ने 500 रुपया ये 5 नोट भी जुआए हैं। तो मैंने कहा वाह, आपी जी ना वाह करो। क्या उनको बता दो कि यार हमारी मम्मी नहीं, सच्ची मुझे 200 रुपए मिले। झूठ ना बोल। ये देखे जी गाइस, आगे खड़ी हुई है काओस, आगे खड़ी है ही ना चाल उत्तर के दिखाओ। चलो जी गाइस, हम लोग अपने दूसरे मामू के घर भी आ गए। अभी पिंड है यहाँ पे, हम लोग ज्यादा मोबाइल नहीं यूज कर सकते, कैमरे को हम लोग छुपा छुपा के रख रहे होते हैं, ठीक है। इतना हमने प्रैंक वीडियोस में नहीं कैमरा छुपाया था जितना हमें इस पिंड में कैमरा छुपाना पड़ गया। और चले जी हम लोग अपने मामू रहते हैं, ये यहाँ पे और गाय वगैरह खड़ी हुई है, ठीक है। तो आज ही मम्मा चले गाइस, हम लोग अपने मामू से मिल वगैरह ले, ठीक है। गाइस हम लोग गांव से निकल चुके हैं, ठीक है फाइनली। और अब हम लोग अपने शहर में आ गए हैं, यहाँ से मैंने लेनी थी अपनी दवाई। तो अभी दवाई वाले डॉक्टर के पास तो हम लोग पहुँचे नहीं है, और अली यहाँ पे रुक गया ये दही भले खाने के लिए, और ये लेके बैठा हुआ है, ठीक है। दही भले खा रहा है, हम भी कह रहे थे खा लो, हमने कहा नहीं भाई, हमारे गले पहले ही जवाब दिए हुए हैं तुम ही खाओ। तो अभी यहाँ से ये जल्दी से दही भले खाए अपने, और मैं जाके अपने डॉक्टर अंकल से दवाई लूँ, मुझे उन्हीं से ये आराम आता है। और दवाई लेके हम लोगों ने निकल जाना है लाहौर। और अब देखो मम्मा जी, मुझे लग रहा है आज भी मेरा हाथ हो जानी है। चलो कोई बात नहीं, अपने घर ही जाना है। A few moments later, हम लोग जो है निकल रहे थे मेरी दवाई लेने के लिए आगे, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, ठीक है। उन्होंने हम यहाँ पे स्टॉप कर दिया, और इस साहब ने अपने दही भले खा लिए थे। मम्मा ने वहाँ से इस टिंडी के लिए एप्पल और बनाना पकड़ा है, जो मम्मा ने मुझे भी कहा तुम भी खा लो, क्योंकि मैं नाश्ता बिल्कुल इतना सा किया था। नाश्ते के फौरन बाद हम लोग निकल आए थे, और अब यहाँ पे रश लगना शुरू हो गया है। ग्रेड़ियां खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? ग्रेड़ियां। चलो जी गाइस, हम लोगों को अभी तक शहर में 1 पूरा घंटा लग चुका है, बल्कि 2 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और दवाई के साथ साथ मैंने अपना ये जूता भी ले लिया है, यहाँ पे लगा हुआ था, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी लेके चला ही है। या फिर 4000, ये है 40,000 का। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब ये बंदा यहाँ पे स्लश पीने लगा है। पहले इसने खाए हैं दही भले, फिर इसने गनेरियाँ ली हैं, वो चुपी चापी हैं क्योंकि वो खाए नहीं जाते, और फिर पता नहीं क्या क्या खाता रहा। और यहाँ पे राकेश ने गाड़ी खड़ी कर ली थी, वहाँ पे हम लोग दवाई लेके बाहर निकले तो ये था ही नहीं। तो जूते सामने नजर आए हैं, तो जी मैंने एक जूता उठा लिया, और अब ये यहाँ से स्लश पी रहा है। मम्मा अब ये वो चीज़ें खा पी रहा है जो मैं नहीं खा सकती। मैं भी खा रहा, छीन या कुछ खा ली। अपनी मर्जी की चीज खा रहे हो, अपनी मर्जी की खा रहा है, नहीं वो खानी।
मुझे यहाँ पे ना कहीं गोर में नजर नहीं आ रहा, तो मैं वेट कर रही हूँ हम लोग लोगों को जब तक मुझे भूख भी लग जाए और फिर मैं वहाँ से कुछ लूंगी और कुछ खाऊं पी आई रही। चलो जी गाइस, मौसम बहुत अच्छा है और हमारे शुक्र है हमें समोसे मिल गए हैं। ये देखिए जी, मम्मा जी मेरा भी दे दे। नहीं तू पकड़ता क्यों? चलो जी गाइस, गर्मा गर्म समोसे और हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब बस हम खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं टाइम से, इससे पहले कि रात हो। बस हम लोगों ने अब स्पीड बढ़ा दी है गाड़ी की और बस हम लोग जा रहे हैं। आप लोग अपने लिए क्या क्या लेके आए हो? समोसे ने चली अपने नाल ले आया। कौन सा? आलू वाला। पता नहीं गाइस बंदा अपने पांदा किधर है, लगता लगता इन्हें है नहीं। जब से हम रस्ते में बैठे हैं ना, ये कुछ ना कुछ खाई जा रहा है। तो चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमारे मोबाइल की थी बैटरी लो, इसके वजह से रास्ते में मैं वीडियोस नहीं बना सकी। बाकी हम लोग घर में भी उतर के खा पी चुके थे। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, क्या हाल है आपका? मिस किया था फिर आपने हमें। मैं बीमार के आने बुखार हो गया पापा, बस उदास हो गए हमसे। और वहाँ पे चिड़िया शिशियाँ हमने खा ली थी गोलमे से और आप भी कहते हो गया खाते ही रहते ने। तो भाई अस्सी बार अड़ाई ठीक है, साड़ी पहली हॉबी है खाना तो दूसरी हॉबी है सोना। ऐसी बात है। चलो जी, हाँ बहुत ज़्यादा थक गया मैंने आज अपने साथ कर लिया ज्यादती, इनके साथ मिलके खा ली मैंने आइसक्रीम, मेरा गला शदीद दर्द कर रहा है। अब बस गरारे शरारे करने हैं, चेंज करना है और अपनी मेडिसिन जो लेके वो खा के मैंने भी जाना है। सो तो चले जी, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आबाद रहें और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।